सो वेलकम बैक टू अनदर सेशन विल बी लर्निंग आज हम सीखेंगे कैनवा कैनवाप्स एंड ग्राफिक्स तो एज यू ऑल नो हम सबको पता है कि एलिमेंट्स के अंदर ग्राफिक्स एंड सेप्स आते हैं एंड वहां से हम ये यूज करने वाले हैं हमें इसका नेविगेशन इसका यूसेज पता है सो so, मैं लास्ट डिजाइन जो हमने किया था उसके नीचे एक नया पेज ऐड कर रहा हूँ ओके okay? उसके बाद हम एलिमेंट्स में जाएंगे एंड यहाँ पे हमें सेप्स मिलेगा सेप्स के अंदर हमने सिर्फ लाइन का यूज देखा था तो चलिए हम अब दूसरा सेप्स जो एक्चुअल सेप है उसका यूसेज देखते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे सेप्स के अंदर आता है स्क्वायर सेप कॉर्नर राउंडेड सेप सर्कल ट्रायंगल ये सारे सेप है ठीक है तो हम पहले स्क्वायर सेप से शुरुआत करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैं एक सेप लिया यहाँ पे शेप आ गया एंड उसके साथ इसका टूल बार आ गया तो इसका टूल बार जो है थोड़ा सा अलग है ओके okay? लाइन के साथ मैच करता है बट स्टिल अ लिटिल बिट डिफरेंट ओके तो सेप जब आप लेते हैं तो आपको सेप का एक डिफॉल्ट ऑप्शन मिल जाता है जहां से आप इस शेप को किसी भी और शेप uh, में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे अवेलेबल सेप है जिससे मैं इस शेप को कन्वर्ट कर सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं ये जो क्लाउड uh, वाला सिंबल है क्लाउड वाला सेप है इससे कन्वर्ट करता हूं इसको आप देख सकते हैं ये कन्वर्ट हो गया तो इस तरह से हम किसी सेप को कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से ऑलरेडी right, तो इसे स्क्वायर ही रखते हैं फिलहाल इसके बाद हमें इसका कलर चेंज करने का ऑप्शन मिलता है जैसे हमने लाइन कलर चेंज किया उसी तरह से यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं सेप का जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर कर दिया उसके बाद इसमें बॉर्डर तो सेप में आपको कलर करने का जैसे ऑप्शन मिलता है उसके साथ बॉर्डर एड करने का भी ऑप्शन मिलता है जैसे हमें ग्राफिक में मिला था बॉर्डर एड करने का ऑप्शन उसी तरह से यहाँ पे भी हम बॉर्डर एड कर सकते हैं सिंपली हम बॉर्डर को इनेबल कर देंगे बाइडिफॉल्टे डिसेबल रहता है एंड हमने इसे इनेबल कर दिया आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बॉर्डर ऐड हो चुका है ठीक है तो इस तरह से हम इसमें बॉर्डर ऐड कर पाएंगे इसके बाद हमें यहाँ पे दिखता है एक फॉन्ट नेम जहां पे हम फॉन्ट स्टाइल चूज कर सकते हैं फॉन्ट स्टाइल चूज करने का जो ऑप्शन है फॉन्ट स्टाइल चूजिंग बटन तो यहां से हम इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कौन सा फॉन्ट या कौन सा टेक्स्ट हमने ऐड किया है तो फिलहाल यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको बट हम यहाँ पे अगर चाहे तो फॉन्ट टेक्स्ट लिख सकते हैं तो यहाँ पे जितने भी सेप्स अवेलेबल है यहाँ पे जितने भी आप देख सकते हैं सेप्स के अंदर जितने सारे चीज़ें हैं इस सब में हम एक इंटीग्रेटेड इन बिल्ट लाइक इसके अंदर फॉन्ट टेक्स्ट लिख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको लिख के दिखाता हूँ इसमें क्लिक करना है आपको उसके बाद एक और बार क्लिक करना है इसके ऊपर एंड लिखने का जो कर्सर है वो आ जाएगा यहाँ पर अब यहाँ पर हमें लिखना है हेलो वर्ल्ड ओके okay? तो इस तरह से हम कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हैं ठीक है थीके? तो अब इसका फॉन्ट स्टाइल हमें चेंज करना हो तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद इसका फॉन्ट स्टाइल में जाएंगे यानी इंटर या जो फॉन्ट हमें चाहिए वो फॉन्ट चूज करेंगे एंड वो फॉन्ट स्टाइल इसमें अप्लाई हो जाएगा ओके okay, तो इस तरह से हम फॉन्ट स्टाइल चूज़ कर पाएंगे एंड बाकी चीज़ें जैसे फॉन्ट साइज को इंक्रीज एंड डिक्रीज करना यहाँ से आप कर सकते हैं इसको फॉन्ट साइज को इंक्रीज एंड डिक्रीज उसके बाद फॉन्ट का कलर अगर हमें चेंज करना है आपको ध्यान रखना है यहाँ पे तीन चार चीज़ें हैं एक सेप के अंदर आपको फॉन्ट मिलता है आपको एक बैकग्राउंड कलर मिलता है सेप का बैकग्राउंड कलर एंड उसके बाद आपको एक बॉर्डर भी मिलता है सेप का जो बॉर्डर है तो ये तीनों का कलर हम अलग अलग रख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हमें टेक्स्ट का कलर ब्लैक करना है ओके okay, ब्लैक कर दिया मैंने एंड जो बैकग्राउंड है सेप का तो बैकग्राउंड सेप का बैकग्राउंड हम यहाँ से चेंज करेंगे सेप के पास वाला जो कलर ऑप्शन है यहाँ से इसे हमने व्हाइट कर दिया एंड अभी बॉर्डर कलर आप देख सकते हैं जो कि अभी फिलहाल ब्लैक है तो ये ठीक ठाक ऐसा लग रहा है आप इसे भी अगर बॉर्डर कलर को चेंज करना है आपको तो सिलेक्ट करना है उसके बाद आपको बॉर्डर ऑप्शन पर जाना है बॉर्डर स्टाइल पर देख सकते हैं उसके पास आपको बॉर्डर कलर चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद आपको उस कलर को चूज करना है जो आप बॉर्डर में ऐड करना चाहते हैं ठीक है तो इस तरह से हम इसका बॉर्डर कलर इसका बैकग्राउंड कलर इसका टेक्स्ट कलर तीनों कलर को चेंज कर सकते हैं वन बाई वन ओके यहाँ पे डिफरेंट टाइप का बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं हम जैसे लाइन को कर सकते थे लाइक डैश लाइन एंड डॉटेड लाइंस इस तरह का एंड बॉर्डर वेट को इंक्रीज कर सकते हैं बॉर्डर कॉर्नर को राउंडिंग कर सकते हैं इसके बाद एक और चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होता है जो की इसका टेबल uh, या फिर एमती बॉक्स ओके तो मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल हमें uh, एक बॉर्डर uh, चाहिए एक टेक्स्ट बॉक्स लिखना है टेक्स्ट बॉक्स बनाना है बट उसमें कोई बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए तो हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी रेड कलर है ठीक है तो हमें सपोज चाहिए इस जो बैकग्राउंड है इसे ट्रांसपेरेंट ठीक है तो हम उस ट्रांसपेरेंसी को कैसे हासिल करेंगे लाइक like, आपको ऑप्शन no मिलेगा यहाँ पे क्लिक करना है एंड वो जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ट्रांसपेरेंट एंड कलर इन दोनों में बहुत फर्क होता है ठीक है मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे हमने ये हेलो वर्ल्ड दिया है एंड यहाँ पे मैं छोटा करता हूँ इस बॉक्स को ओके okay? एंड यहाँ पे रखता हूँ इसको तो हमें सपोज चाहिए कि एक बॉर्डर वाला बॉक्स हो दो बॉर्डर वाला बॉक्स हो उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा रहेगा ठीक है इस तरह कुछ चाहिए तो हम इसे कर सकते किस तरह से कि हम इसका बैकग्राउंड कलर को व्हाइट कर देंगे उसके बाद इसका बॉर्डर कलर को रेड uh, कर देंगे एंड सॉरी रेड कलर कर दिया एंड उसके बाद इसका बैकग्राउंड को फिर से व्हाइट कर दिया इस तरह से करके यहाँ पे अंदर हेलो वर्ल्ड लिख देंगे ठीक है तो इस तरह से तो हम कर सकते हैं बट समटाइम्स कुछ और काम के लिए हम इस तरह का कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पीछे वाला जो एलिमेंट है उसे हमें दिखाना होता है वो एलिमेंट टेक्स्ट भी हो सकता है ग्राफिक्स भी हो सकते हैं और कुछ और भी हो सकता है तो उस जगह पे हम क्या करेंगे कि इसका जो बैकग्राउंड uh, कलर है उसे ट्रांसपेरेंट कर देंगे जैसे मैंने टेक्स्ट को हटा दिया इसके पीछे एक टेक्स्ट है ठीक है तो उस टेक्स्ट को हम यहाँ से देख सकते हैं जिससे हम इसका बैकग्राउंड कलर को जो ऊपर वाला बॉक्स है छोटा सा इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो आप देख सकते हैं नीचे वाला टेक्स्ट अभी दिख रहा है तो इसके लिए हम सिर्फ एक लाइन टाइप का बॉक्स चाहिए हमें अगर लाइन टाइप का जो बहुत बॉर्डर चाहिए होता है डिजाइन करने के समय तो उस वक्त हम इस तरह का शेप लेंगे उस शेप का बैकग्राउंड कलर को ट्रांसपेरेंट कर देंगे एंड वो फिर हम यूज कर पाएंगे ओके okay? तो ये सिर्फ स्क्वायर uh, शेप के लिए नहीं बहुत सारे और भी शेप से जैसे जितने भी यहाँ पे शेप अवेलेबल है उन सारे शेप में हम ये चीज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको एक लाइन वाला सर्कल चाहिए जैसे आप सर्कल यहाँ पे लेंगे एक सर्कल लिया मैंने सर्कल में हम लाइन वाला बना सकते हैं like लाइक एक लाइन का सर्कल नॉट कलर फील्ड ओके कलर फील्ड जैसा अभी फिलहाल है हम दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं इसे लाइन वाला सर्कल बनाने के लिए बट जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसे थोड़ा सा छोटा कर देंगे एंड इसके ऊपर रख देंगे ठीक है दोनों हॉरिजोनटली एंड वर्टिकली एकदम सेम एंड बीच में होना चाहिए ठीक है अभी देख सकते हैं रख दिया मैंने उसके बाद इसका कलर हमने व्हाइट कर देना है एंड ये हो गया लाइन वाला सर्कल बट इट इज़ नॉट अ गुड वे ये मतलब सही तरीका नहीं है इस तरह का सर्कल बनाने का क्योंकि अगर नीचे कोई एलिमेंट है उसे हम अगर शो करना चाहते तो वो हाइड हो जाता है तो उसके लिए हम दूसरा चीज़ जो ऑप्शन अवेलेबल है उसका यूज़ करेंगे उसका यूज कैसे करना है लाइक like, ये वाला हमने डिलीट कर दिया उसके बाद ये वाला जो सर्कल है उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे नो no कलर कर देंगे एंड बॉर्डर को जाके एनाबल कर देंगे एंड बॉर्डर का कलर जो चाहिए हमें वो कर देंगे ठीक है तो इस तरह से हम ये चीज़ कर पाएंगे तो ये था सेप का एक्स्ट्रा यूज एंड इसमें से हम जो कलर फील्ड सेप है उसको हम इस तरह का शेप में कन्वर्ट भी कर सकते हैं ठीक है इट्स अ वेरी गुड थिंग ये बहुत काम आता है एंड आपको ये याद रखना है ऑल right, तो ये हो गया उसके बाद हम एक और सेप लेते हैं ओके okay. तो हमने देखा जो सेप होता है उसमें हम उसका बैकग्राउंड कलर उसका बॉर्डर कलर एंड उसका उसके अंदर का जो फॉन्ट है उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं तो इसमें जो फॉन्ट का जितने भी टूल अवेलेबल है एक सेप के साथ वो सारे फॉन्ट जो इसके अंदर होता है उसी में इफेक्ट करता है जो अलाइनमेंट लिस्ट ये सारी चीजें आपको यहाँ पे यूज होगा एंड देन उसके बाद एनिमेट एंड पोजिशन एंड ऑल ऑफ देट सेम तो यही सारी चीजें है इसमें एंड बाकी जितने भी uh, सेप है ये सारे सेप में ये सेम चीजें अप्लाई होता है जो भी आप सेप यहाँ से यूज करेंगे एंड uh, सेप को हम रिसाइज भी कर सकते सेप का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं जैसे जब भी आप कोई सेप लेंगे एंड उसे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको इस तरह का कुछ ऑप्शन मिलता है जैसे आप देख सकते हैं चारों साइड में आपको इस तरह से स्ट्रेच करने का ऑप्शन मिलेगा एंड इस तरह से आप इसे साइज में इंक्रीज कर सकते हैं दोनों साइड से चारों साइड से एक्चुअली एंड कॉर्नर से भी आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं इस तरह से ठीक है तो इस तरह से हम सेप को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से एंड सेप के अंदर जैसे हमने बैकग्राउंड कलर सॉलिड कलर ऐड कर सकते हैं उसी तरह से ग्रेडियंट कलर भी ऐड कर पाएंगे जैसे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर में इस तरह का ग्रेडियंट कलर भी हम ऐड कर पाएंगे तो ये था सेप का जो एडवांस यूसेज एंड सेप बहुत काम आते हैं लिटरली जितने भी आप डिजाइन करेंगे उसमें सेप कहीं ना कहीं तो आपको काम आएगा यहाँ पे बहुत सारे सेप है डिफरेंट काइंड ऑफ स्टार ट्राइंगल स्क्वायर सर्कल ये सारे बहुत सारे सेप है एंड uh, ये सारे सेप में इसी सेम मेकेनिज्म सेम कस्टमाइजेशन करके आप डिफरेंट चीजें बना सकते हैं सो दैट्स ऑल अबाउट द सेप एंड जब हम डिजाइन करेंगे प्रैक्टिकली तो इसका यूसेज प्रैक्टिकल में देखेंगे तब हमें और भी समझ आएगा सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक अभी हमारे पास जो लेफ्ट है वो है ग्राफिक सो आई होप सेप वाला पार्ट क्लियर हो गया तो ग्राफिक्स भी हम जानते हैं क्या क्या चीजें है उसमें लेट मी टेक अनादर पेज एक पेज लेता हूं मैं एंड एलिमेंट्स में जाते हैं यहाँ पे हमें ग्राफिक्स मिलता है ठीक है ग्राफिक्स। इसके अंदर जो भी चीजें हैं स्टीकर ग्रेडियंट ये सारी चीजें हम स्टीकर्स ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं ठीक है थीके? तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है फिलहाल कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है एंड आप उसका यूज करेंगे अपने डिजाइन में आपको उसका जरूरत पड़ेगा आपको ठीक है तो मैं कुछ चीज़ें ऐसे दिखा देता हूँ जैसे कि हमें पता है कि कुछ ग्राफिक्स ऐसे होते हैं जिसका कलर हम चेंज कर सकते हैं एंड कुछ ग्राफिक्स ऐसे होते हैं जिसका कलर हम चेंज नहीं कर सकते ठीक है फॉर एग्जाम्पल हमने ये दो ग्राफिक लिया है दो ग्राफिक एलिमेंट्स इसको हम अगर देखें तो मैं अगर लेफ्ट वाला अगर क्लिक करूं तो आपको यहाँ पे ये टूल बार शो हो रहा है जिसमें कलर ऑप्शन नहीं है इसे मैं जूम इन करता हूँ ओके okay, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कलर चेंज करने का ऑप्शन है वो फिलहाल यहाँ पे नहीं मिल रहा है अगर ये वाला ग्राफिक में क्लिक करूं तो यहाँ पे हमें कलर चेंज करने का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे मल्टीपल कलर यूज किया गया है ये ग्राफिक बनाने के लिए एंड ये पूरा जो ग्राफिक है इसमें जो कलर यूज किया गया है उसे हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से ठीक है तो इस टी शर्ट का कलर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे बस इसे सपोज मैं ब्लैक कर रहा हूँ इसको तो आप देख सकते ये कलर ब्लैक हो गया तो इस तरह से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं एंड बाकी जो कलर है लाइक ये पिंक कलर दिख रहा है इसे हम अगर वाइट करना चाहते तो इस तरह से वाइट कर देंगे तो ये कलर हम चेंज कर सकते हैं इट्स चेंजेबल जस्ट क्लिक करके हम इसे चेंज कर पाते हैं बट इस तरह का जो एलिमेंट होता है जिसमें कलर चेंजिंग का ऑप्शन नहीं होता है तो उसके लिए हमें डिफरेंट चीजें अप्लाई करना पड़ता है लाइक एडिट इमेज एडिट इमेज में आपको इफेक्ट्स देन ब्राइटनेस देन जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो सारी चीज़ें चेंज करने का ऑप्शन मिलता है कभी कभी बट ग्राफिक्स में ज़्यादातर नहीं मिलता फोटोज़ में मिल जाता है ग्राफिक्स के लिए आपको डुओ टोन का यूज़ करना पड़ेगा जैसे आप ग्राफिक्स में कलर uh, चेंज करना चाहते तो वो उतना अच्छा नहीं होगा बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि उसका कलर थोड़ा सा भी चेंज हो तो आप डोओ टोन का यूज़ कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो ग्राफिक है उसे सिलेक्ट कर लेना है जैसे हमने कर लिया है उसके बाद डुओ टोन में जाना है डोटोन में जाने के बाद आपको ओपन करना है इसको ओके okay, ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा जहां पे हमने देखा था लास्ट टाइम भी कि इसमें जो इफेक्ट होता है वो हम अप्लाई कर सकते हैं तो चेरी फुशिया पॉप वायोलेट सी ब्लू इस तरह का जो ऑलरेडी टेम्पलेट अवेलेबल है उसे भी हम यूज कर सकते हैं जैसे हमने सी ब्लू यूज किया तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है उसका इफेक्ट चेंज हो चुका है एंड ये यूज किया तो इस तरह का हो गया है एंड इस तरीके से हम इसका कलर थोड़ा बहुत चेंज कर पाएंगे तो ये वन वे कलर है लाइक पूरा डिजाइन में इस तरह का कलर हो जाता है लाइक ब्लैक एंड वाइट टाइप का इसमें बस दो सॉलिड कलर दिखता है एक यहाँ पे जैसे इसका लाइन ड्रॉ किया गया उसमें कलर एंड जो इसका बैकग्राउंड है उसका कलर ठीक है तो इसी तरह से डुओटोन काम करता है एंड डुओटोन की मदद से ये सारे जो मिनिमल चेंजेस है ये हम कर सकते हैं उसके अलावा अगर ये फोटो होता तो उसमें हम ब्राइटनेस कम करके एंड शैडो uh, बढ़ा के जितने भी उसमें कस्टमाइजेशन ऑप्शन है वो सारे कस्टमाइजेशन करके थोड़ा बहुत कलर uh, कम या ज़्यादा कर सकते थे बट ग्राफिक के लिए हम डुओ टोन का यूज़ करेंगे डुओ टोन ज़्यादातर एप्लीकेबल तब होता है जब आपको एक या दो कलर में ही वो काम बन जाता है लाइक जो एलिमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसमें ज़्यादा कलर नहीं है एंड उसका कलर लाइक वो कलरफुल डिज़ाइन नहीं है कोई एक प्लेन है या दो या तीन कलर का एक ग्राफिक है इस तरह का प्रॉब्लम हमें जब हम फोटो यूज़ करेंगे या बाहर से कोई आइकोन डाउनलोड करके यूज़ करेंगे तब भी आ सकता है ठीक है तो उस वक्त हम टोन का मदद से ये कलर चेंज कर सकते हैं तो जैसे हमने इस वाले ग्राफिक में किया यहाँ पे दो कलर आपको दिख रहा है प्रोमिनेंट एज ए प्रोमिनेंट दो मेन कलर ठीक है तो डोट टोन में जाएंगे हम उसे चेंज करने के लिए हम कस्टम भी चूज कर सकते हैं या कोई भी टेम्पलेट यूज करके उसमें जो हाईलाइटेड कलर होता है वो आप देख सकते हैं एंड सैडो कलर होता है वो आप देख सकते हैं ठीक है इसे मैं अगर ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहता हूँ तो हाईलाइट में व्हाइट कर दूंगा एंड जो सैडो होता है उसे ब्लैक uh, कर दूंगा ठीक है इस तरह से मैं इसे ब्लैक एंड वाइट कर दिया ठीक है या फिर हम इसे ब्लैक एंड व्हाइट इस तरह से भी कर सकते हैं ये नेगेटिव टाइप का हो गया कुछ तो इस तरह से भी हम इसमें बस दो प्रोमिनेंट कलर यूज करके डुओ टोन इफेक्ट ऐड कर सकते हैं एंड वो आइकन का कलर चेंज हो जाएगा तो ये चीज़ आपको ज्यादातर जब आप कोई लोगो या फिर कोई uh, इस तरह का स्ट्रेट आइकन यूज करेंगे कोई इस तरह का ग्राफिक एलिमेंट नहीं लाइक like हो सकता है किसी लोगो यूज कर रहे किसी कंपनी का सोशल मीडिया का या फिर व्हाट्सअप आइकन या ये सारे मतलब जहाँ पे भी आपको इसका यूज चाहिए मे भी हो सकता है किसी भी डिजाइन के लिए इसका यूज बट तब आप डुओ टोन की मदद से उसमें इस तरह से उसका कलर चेंज कर पाएंगे सो so ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत यूजफुल है इसलिए मुझे आपको दिखाना था ऑल राइट right, तो मुझे नहीं लगता इसमें और कुछ चीजें मिस हो गई है बट अगर आपको किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन अदरवाइज डिस्कशन में भी आप पूछ सकते हैं एंड एंड आई आई विल विल हैप्पी टू आंसर एवरी क्वेश्चन एक्सपेक्ट यू मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुद से ये चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड खुद ये सारी चीजें आप देख रहे कैनवा में एंड मेरे साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं सो दैट्स ऑल अबाउट द ग्राफिक एंड शेप्स इसमें यही सारे चीजें हैं एंड बहुत इजी है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं उसी तरह से आप भी कंटिन्यू करिए एंड खुद से ये चीजें एक्सप्लोर करिए एंड तभी आपको एक्सपीरियंस होगा एंड आप अगर कहीं पे भी अटक जा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू आस्क मी बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं इन द कॉमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो और अदरवाइज इन द डिस्कशन सेक्शन ऑफ दिस कोर्स सो दट ऑल इन द नेक्स्ट सेशन हम अगले सेशन में जानेंगे कैन हमें वीडियोज ऑडियोज ये सारी चीजें एंड फोटो जो है उसका एडवांस्ड यूसेज एंड किस तरह से हम उसमें एडिटिंग एंड कस्टमाइजेशन कर सकते हैं ताकि हमें डिजायर्ड आउटपुट मिले एंड अपने हिसाब से डिजाइन को बना पाए एंड जितने भी टूल्स है उसका हंड्रेड परसेंट यूसेज हंड्रेड परसेंट लाभ उठा पाए सो फॉर ऑल ऑफ दैट एंड मोर आई एल सी यू ऑन द नेक्स्ट लेसन